नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सुबह सुबह में अब वक्त बड़ी खबरों का। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव के लिए आज फिर बैठक, हंगामे के आसार। बीजेपी दोबारा चुनाव शुरू करने की कर रही है मांग, सुबह 10 बजे से शुरू होगी कार्यवाही। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का होना है चुनाव, एक दिन पहले हुए हंगामे को लेकर भी हो सकता है कार्रवाई का ऐलान। मतदान के दौरान मोबाइल फोन को लेकर शुरू हुआ था विवाद, आपकी दलील, चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं। दिल्ली के बाद मुंबई नगर निगम चुनाव पर आपकी नजर, आप आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का मुंबई दौरा। प्रधानमंत्री मोदी आज नागालैंड और मेघालय के दौरे पर, पहली रैली नागालैंड के दीमापुर में। मेघालय में प्रधानमंत्री मोदी की दो रैलियां, नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को है चुनाव। आज से रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, सीडब्ल्यूसी का होगा चुनाव। 3 दिन तक चलेगा अधिवेशन, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहेंगे मौजूद, सोनिया गांधी के शामिल होने की भी संभावना। अधिवेशन में 2024 चुनाव को लेकर चर्चा, पूरे देश से 15,000 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं रायपुर। रायपुर जा रहे पवन खेड़ा को लेकर दिल्ली में सियासी पारा गरमाया, विवादित बयान को लेकर गिरफ्तारी, प्लेन से नीचे उतारा गया। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत, निचली अदालत को अंतरिम जमानत देने का आदेश। दिल्ली एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर ही कांग्रेस का प्रदर्शन, बोली सुप्रिया श्रीनेत, बीजेपी हमारे अधिवेशन से घबराई। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का एक और विवादित बयान, बोले गुजरात के लोग सेना में नहीं जाना चाहते हैं और देश की रक्षा नहीं करना चाहते हैं, पीएम पर की टिप्पणी। आरजेडी ने सुरेंद्र यादव की भारतीय सेना पर विवादित टिप्पणी से पल्ला झाड़ा, बोले भारतीय सेना देश का गौरव और हम सेना को सलाम करते हैं। पंजाब के अजनाला में जबरदस्त बवाल, थाने पर खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के सहयोगियों का हमला। अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत तूफान सिंह की गिरफ्तारी पर बिगड़ा मामला, तलवारों और बंदूक के साथ जुटे समर्थक अमृतपाल सिंह ने बुलाया था। अमृतपाल सिंह के समर्थकों के हमले में 6 पुलिसकर्मी जख्मी, दबाव में आई पुलिस, आज छोड़ा जाएगा लवप्रीत तूफान। हमले के बाद अमृतपाल ने सीधे गृह मंत्री को दी धमकी, कहा खालिस्तानी आंदोलन रोका तो भुगतने पड़ेंगे नतीजे, इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था। अमृतपाल सिंह के हुड़दंगियों को लेकर बीजेपी का मान सरकार पर वार, बोले मनजिंदर सिरसा, पंजाब में 1980 के कांग्रेस मॉडल को लागू कर रहे हैं केजरीवाल। दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे के बीच वर्ल्ड बैंक की कमान भी भारतीय के हाथ, नए अध्यक्ष बनाए गए अजय बंगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया नामित। रूस यूक्रेन युद्ध का एक साल की लड़ाई में खंडहर बन गए यूक्रेन के कई शहर। फ्रांस ने यूक्रेन के लिए जताया समर्थन, पेरिस में एफिल टावर यूक्रेन के झंडे के रंग में रोशन। संयुक्त राष्ट्र में भी बुलाई गई आम सभा की बैठक, युद्ध के एक साल पूरा होने पर शांति की अपील। मॉस्को में भी की गई आतिशबाजी, पुतिन की तरफ से बयान, रूस ने अपनी सुरक्षा के लिए शुरू किया खास सैन्य अभियान। लखनऊ में बीती रात नगर निगम के डंपिंग यार्ड में जबरदस्त आग लग गई, भीषण आग की चपेट में आकर कई पुरानी गाड़ियां खाक, आग की वजह से कई गाड़ियों में धमाके भी सुने गए। अमृतसर में खालिस्तान समर्थकों ने बड़ा बवाल किया, यह हंगामा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के करीबियों की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ, खालिस्तानी थाने में घुस गए, तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया। उग्र तेवर देखकर भगवंत मान की पुलिस सरेंडर मोड में आ गई और अमृतपाल सिंह के करीबी को छोड़ने का फैसला कर लिया। अमृतसर के करीब अजनाला पुलिस ने
खालिस्तानी ऐसे घुसे, हाथों में हथियार, धारदार तलवार और पत्थर। देखिए कैसे वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर टूट पड़ा। थाना परिसर में घुसते ही पुलिस ने रोकना चाहा, तो इन्होंने पुलिस वालों पर पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें 6 पुलिस वालों को चोट भी आई। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अपने साथी की गिरफ्तारी को लेकर नाराज था। उसके समर्थक जबरदस्त गुस्से में थे। वो अमृतपाल के इशारे पर अजनाला थाने पहुंचे तो वहां जबरदस्त हिंसा दिखी। उन्होंने पुलिस की बैरिकेड को गिरा दिया। इस हिंसा के आगे भगवंत मान की पुलिस ने घुटने टेक दिए। अमृतपाल सिंह की मांग थी कि उसके गिरफ्तार साथी लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान को रिहा किया जाए। कल शाम को बैठक हुई। पुलिस की माने तो उस अहम बैठक में अमृतपाल ने कई अहम सबूत दिखाए जो लवप्रीत के पक्ष में थे। 15 फरवरी को ही हिंसा के मामले में पुलिस ने लवप्रीत को गिरफ्तार किया है। वो इनसे बातचीत हुई है एंड एसेट इज फॉर्मड एंड द पर्सन हु वाज अरेस्टेड दे हैव गिवन इनफ प्रूफ्स दैट ही इज इनोसेंट सो द सिट इज टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ दैट थिंग। फैसले के मुताबिक पुलिस आज लवप्रीत तूफान को रिहा कर देगी, लेकिन खालिस्तान समर्थक रिहाई तक एक गुरुद्वारे में जमे हैं। मंजीत सहगल, अमृतसर आज तक। अगली खबर लखनऊ की, जहां बीती रात नगर निगम के डंपिंग यार्ड में जबरदस्त आग लग गई। भीषण आग की चपेट में आकर कई पुरानी गाड़ियां खाक हो गई। आग की वजह से कई गाड़ियों में धमाके भी सुने गए। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। दिल्ली में कल बड़ा हादसा टल गया। एमसीडी की टीम ने कल एक इमारत को सील कर दिया। आरोप है कि उस इमारत का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था, लिहाजा एमसीडी ने यह कार्रवाई की, लेकिन उसी इमारत के अंदर 2 मासूम बच्चे फंस गए। एमसीडी की लापरवाही से बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। एमसीडी स्टाफ की अनदेखी ने 2 मासूम बच्चों को इमारत के अंदर ही सील कर दिया। क्या यही एमसीडी का वर्किंग स्टाइल है? टीम निकली थी प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदार को नोटिस थमाने और कार्रवाई करने, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इतनी भी परवाह नहीं की कि इमारत के अंदर जांच परख ली जाए। एमसीडी का दस्ता गुरुवार को दिल्ली के अमन विहार इलाके में पहुंचा था। प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े मामले को लेकर कुछ इमारतों को सील करना था। अधिकारी कर्मचारी आए और आनंद फानन में इमारत के गेट पर सील मुहर लगा दी, नोटिस भी चस्पा कर दिया और अंदर 2 मासूम फंसे रह गए। कुछ ही देर बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस सील बंद इमारत में 2 मासूम बच्चे अंदर ही बंद थे। इसकी खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सील लगा ताला तोड़कर पुलिस ने बच्चे को बाहर निकाल लिया। वैसे ये किसी बड़ी लापरवाही से कम नहीं। एमसीडी के तौर तरीकों पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। चेक तो करना चाहिए था, जाए तौर पर तक तो ये बनता है। जब किसी प्रॉपर्टी को सील कर रहे हो तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है इसके। चश्मदीदों के मुताबिक एक और इमारत में ऐसी ही कार्रवाई हुई जिसमें एक शख्स फंस गया था। आज तक ब्यूरो। राजस्थान के ब्यावर में कल जमीन में विवाद हुआ और वहां एक बुजुर्ग ने अपने सगे भतीजे को ही गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक का उसके बड़े पापा से जमीन का विवाद चल रहा था, उसी को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। नाराजताओं ने फायरिंग कर दी। फौरन लोगों ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। पुलिस अब गोली चलाने वाले की तलाश कर रही है। अब खबर बिहार के विवादित मंत्री की। आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए गए सुरेंद्र यादव ने सेना और प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान दिया। वैसे तो उनकी पार्टी आरजेडी और जेटीयू ने विवादित बयान से किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी ने हमला बोला है। आपको सुनाते हैं आखिर मंत्री ने सेना और पीएम मोदी को लेकर क्या कहा। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा फौज में। ये मैं बोलता हूँ, 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा, तो चल आवेंगे रिटायर होके। चाय बेचना कोई गुनाह नहीं है, कोई धंधा बिजनेस पेट पालना कोई गुनाह नहीं है। मैं आदरणीय मोदी जी को
बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान देता हूँ, चूंकि देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे अभिभावक हैं, पर चाय बेचने वाला इंसान देश को बेचने चला, गया के प्लेटफार्म बेच दिया। अब बात कांग्रेस की। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है और उसकी आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इसलिए अंत में कांग्रेस पार्टी, जिसने देश के आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है, ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है, कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिए गए हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब तक पूरा नहीं हो पाया, सिर्फ 47 वोट डाले गए। उम्मीद है कि आगे की वोटिंग आज कराई जा सकती है। उधर सूत्र ये बता रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। बीजेपी की मांग है कि सदस्यों के लिए दोबारा शुरू वोटिंग हो, जबकि 47 वोट अब तक पड़ चुके हैं और इसी को लेकर आज फिर एमसीडी सदन में गतिरोध का अंदेशा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ा है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में बोलते हुए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के ताजा आर्थिक संकट को लेकर कहा कि जिस देश का मुख्य बिजनेस ही आतंकवाद हो, वो देश कभी भी एक कठिन परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। जस्ट एज यू नो अ कंट्री हैज टू फिक्स इट्स इकोनॉमिक इश्यूज, अ कंट्री हैज टू फिक्स इट्स पॉलिटिकल इश्यूज टू, a country has to fix its social issues. You know, I mean, no country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्व के चुनावी राज्य नागालैंड और मेघालय के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नागालैंड के दीमापुर में रैली करेंगे, वहीं मेघालय में वो 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। मेघालय में एक रैली शिलोंग में और दूसरी रैली तुरा में होनी। और अब अगली खबर कांग्रेस की, जहां अधिवेशन है आज रायपुर में, 26 फरवरी तक यह आयोजन होगा। इस बार पार्टी ने थीम रखा है हाथ से हाथ जोड़। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस रणनीति बनाएगी। सीडब्ल्यूसी का चुनाव भी एजेंडे में है। देशभर के करीब 15,000 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है। अब खबर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की, जिन्हें कल असम पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन अदालत से उन्हें राहत मिल गई, उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई। राहत मिलते ही उन्होंने कहा कि देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अदालत की तारीफ करते हुए कहा, टाइगर अभी जिंदा है। पवन खेड़ा जी को कुछ हद तक पार्शियल रिलीफ दी है, ये सबूत है कि हमारे देश में मोदी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। अब अगली खबर राजस्थान की चुरू से, जहां सादुलपुर नगर पालिका मंडल की बजट बैठक में बवाल हो गया। पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, एक दूसरे के गिरेबान पकड़े। विवाद तक बढ़ा जब विपक्षी पार्षदों ने मत विभाजन की मांग करते हुए कहा कि बजट का 25% शहरी हिस्सा गरीबों के लिए होना चाहिए, जो इस बजट में नहीं है। गुवाहाटी में हाथी गांव इलाके में भीषण आग लगी, बड़े नुकसान की खबर है। बीती रात आगजनी में कई घर खाक हुए, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा परिवार सड़क पर आ गए, वो बेघर हो गए। ये आग रिहायशी इलाके में लगी थी, जिसकी चपेट में आकर कई गैस सिलेंडर ने भी ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से आग तेजी से फैली, दो कारें भी खाक हो गई। गनीमत रही कि वहां रहने वाले किसी भी शख्स को गंभीर चोट नहीं आई। ओडिशा के बामरा स्टेशन में कल जमकर बवाल हुआ, वहां ग्रामीण ट्रेनें रोकने की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया। इस बीच चक्रधरपुर में डीआरएम मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। जैसे ही बातचीत खत्म हुई, ग्रामीण और आरपीएफ जवानों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरपीएफ जवानों ने ग्रामीणों पर डंडे बरसाने शुरू किए, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जवाब में ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की। इस बवाल की वजह से 6 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा।
अब खबर यूपी के लखीमपुर खीरी की, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में विधानसभा के पास लगी गाड़ी की सनरूफ खोलकर युवक आतिशबाजी करते नजर आए। आतिशबाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वैसे लखीमपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार की सनरूफ खोल खड़े होकर आतिशबाजी करने वाले युवक को हिरासत में लिया है। कार को सीज भी कर दिया गया। यमुनानगर में एक शादी समारोह के दौरान जबरदस्त फायरिंग हुई। दबंगई और हथियारों की खूब नुमाइश चली। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई। रात हो या दिन हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं, सबके बीच तमंचे पर डिस्को करते और हवाई फायरिंग करने वाले इन लोगों को वीडियो में गिन पाना भी मुश्किल है। यमुनानगर पुलिस इनके गिरेबान तक पहुंचने के लिए एक्शन में आ गई है। राजस्थान के भरतपुर में जिम से बाहर निकल रहे एक शख्स पर बदमाशों ने हमला किया। पहले तो उसे लाठियों से जमकर पीटा, घायल हालत में उसे छोड़कर फरार हुए। खबर मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच चल रही है। अब तक आरोपियों का सुराग हाथ नहीं लगा। अगली खबर बिहार के मंत्री। दिल्ली में एमसीडी के सदन में जमकर मारपीट, गाली गलौज, बवाल, हंगामा, तमाशा हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में पूरी रात जंग चली और ऐसी ऐसी तस्वीरें आई सामने जो पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करती है। महिलाएं हाथापाई करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, ये तस्वीर है सदन की। ऐसे तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे लोग भी नहीं लड़ते जैसे सदन में लड़ रहे हैं दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि। बदतमीजी की होड़ लगी, कोई थप्पड़ चला रहा है, कोई बोतल फेंक रहा है, किसी ने बैलेट बॉक्स फेंक दिया, किसी ने बैलेट पेपर फाड़ दिया। कानून की छाती पर चढ़कर लोकतंत्र को लहू लहू कर देना और किसे कहते हैं। एमसीडी की बैठक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी। ऐसी अराजकता को देखकर पिघल जाए आकाश। शाम 6:10 मेयर शैली ओबराय ने स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू करवाया और पार्षदों को मोबाइल ले जाने की इजाजत दे दी। शाम 6:30 पहली बार बीजेपी ने मोबाइल फोन ले जाने का विरोध किया। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। शाम 7:30 शैली ओबेराय ने मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन बीजेपी ने शुरू से वोटिंग कराने की मांग की, जबकि 47 वोट तब तक पड़ चुके थे। ये मांग नहीं मानी गई। रात 8:00 बीजेपी के पार्षदों ने जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाए और फिर रघुपति राघव राजा राम का गीत गाना शुरू कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी हाय हाय के नारे लगाए। इसके बाद सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही, लेकिन वोटिंग शुरू नहीं हो सकी। रात 10:45 एक बार फिर कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा जारी रहा। इस बीच मेयर शैली ओबेरॉय ने आरोप लगाया कि उन पर हमला किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने फैसला किया कि उनके पार्षद वोटिंग पूरी होने तक सदन में ही डटे रहेंगे। आधी रात को आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने गीत गाकर भी विरोध दर्ज कराया। शैली ओबेरॉय ने एक बार फिर वोटिंग कराने की कोशिश की, लेकिन इस बार सदन जंग का मैदान बन गया। वेल में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी की मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता, जो शैली ओबेरॉय के मुकाबले चुनाव हार गई, वो पोडियम उखाड़ती और माइक को तोड़ती नजर आई। बीजेपी महिला पार्षदों के रवैये को देखते हुए शैली ओबेरॉय ने कार्यवाही स्थगित की और अपनी सुरक्षा के लिए वहां से निकल गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की महिला पार्षदों के बीच जमकर लड़ाई। इसी दौरान पुरुष पार्षदों के बीच हाथापाई और मारपीट हुई। आज तक को एमसीडी के सदन का एक वीडियो मिला है। वीडियो में आम आदमी पार्टी के पार्षद देवेंद्र बीजेपी पार्षद प्रमोद गुप्ता को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। झगड़ा बढ़ता गया। इस बीच सदन में बोतल वॉर शुरू हो गया। पार्षद एक दूसरे पर बोतलों से हमला करने लगे। इस तोड़फोड़ और तबाही के लिए मेयर ने जिम्मेदार पार्षदों से वसूली का ऐलान किया। यहाँ पे
सुबह 5:05 एक घंटे बाद वोटिंग फिर से शुरू हुई तो देखिए बीजेपी के पार्षद अमित नागपाल ने क्या किया। अमित नागपाल ने बैलेट पेपर फाड़ा तो वेल में खड़े बीजेपी पार्षदों ने ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान हंगामा हद से ज्यादा बढ़ गया। मौका पाकर अमित नागपाल ने पूरा का पूरा बैलेट बॉक्स ही फेंक दिया। लड़ते भिड़ते सुबह हो गई। सुबह 7 बजे लड़कर थकने के बाद पार्षद सदन में ही पस्त हो गए। हंगामा जो शाम 6 बजे शुरू हुआ था वो अब तकरीबन 14 घंटे हो गए हैं और 14 घंटे की बात की अगर हम आपको यहाँ पे स्थिति अगर आपको दिखाएं तो आप ये देखिए कई सारे आपको यहाँ पर जो पार्षद हैं वो आपको सोते हुए नजर आएंगे, लेटे हुए नजर आएंगे, कुछ लोग टेबल पे ही सर रख के सो गए हैं, कुछ लोग पूरी तरीके से सो गए हैं। सुबह 8:30 पार्षदों के लिए सदन में ही नाश्ते का इंतजाम किया गया। नाश्ता करने के बाद पार्षद फिर से चार्ज हो गए। एक बार फिर से सदन में नारेबाजी शुरू हो गई। आखिरकार शैली ओबेरॉय ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी है। कुमार कुणाल, पंकज जैन और हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यूएन में भारत के प्रतिनिधि प्रतीक माथुर ने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के खिलाफ अपने जवाब के अधिकार का इस्तेमाल किया और कहा कि पाकिस्तान केवल खुद को और अपने पिछले कार्यों के रिकॉर्ड को एक देश के रूप में देखना है जो आतंकवादियों को शरण देता है और सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, इसके लिए उसे दंडित भी नहीं किया जाता। Mr. President, I am taking the floor today to say that India chooses this time not to respond to Pakistan's mischievous provocations. Our advice to the delegate of Pakistan is to refer to our numerous rights of reply that we have exercised in the past. Pakistan has only to look at itself and its own track record as a state that harbors and provides safe havens to terrorists and does so with impunity. Such uncalled for provocation is particularly regrettable and certainly misplaced at a time when after 2 days of intense discussions, we have all agreed that the path of peace can be the only path forward to resolve conflict and discord. I thank you.